मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया हुआ है उसी को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने पीछे वाला कंसेप्ट का भी यूज करना है। पीछे जो हमने पढ़ा था कि जब कभी भी प्रतिशत दिख जाए तो उसकी फ्रैक्शन नंबर बना लेंगे। यहां पर आपको दो संख्याएं दे रखी है, बोल रहा है यदि एक संख्या का 40%, मैं दो संख्याएं मान लेता हूं कि पहली है x और दूसरी है y। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। आपको बोल क्या रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 है, ठीक है। इसका अगर 40% की मैं बात करता हूं तो इसका 40% लिखूं, वो बोल रहा है कि इसका 40% दूसरी के 2/3 के बराबर है, मतलब इसके 2/3 के बराबर है। अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी प्रतिशत दिख जाए तो हमने क्या करना है, उसकी फ्रैक्शन बना लेनी है। तो ये 40% है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2/5। अब ये 2 से 2 कट रहा है। अब केवल आपसे इतना पूछ रहा है कि x और y का अनुपात क्या होगा, मतलब x बटे y क्या होगा। तो x को यहीं रखा, y को नीचे ले आओ, यहां 3 बच गया था, ये देखिए ये वाला, और 5 को ऊपर ले जाओ, तो आपका आंसर क्या आ गया यहां से, 5/3 या 5/3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यहां पर आपको बोल रहा है कि यदि A का 30% बराबर है B का 0.25 बराबर है C का 1/5, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर किसके होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो बेसिक लेक्चर हमने पढ़ा था अभी अनुपात और समान अनुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसके अंदर ऐसा कुछ मैंने करवाया भी था। आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको आपको डिटेल से लिखना है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि a का 30% ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बराबर है b का 0.25, बराबर आपको दे रखा है c का 1/5। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए ये परसेंटेज दे रखा है, यहां पे डेसिमल दे रखा है, यहां पे फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है। हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन के रूप में ही बना लेना है ताकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। मैंने पिछली वीडियो में एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि अगर ये फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है तो आपने कुछ वैल्यूज थी उनको चेक करना है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। वो कैसे, देखिए इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं, यहां पर क्या बनेगा 3/10a। इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं तो देखिए अगर ये डेसिमल हटा दूं तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और 25 से कम 25 चौका 100, तो 1/4b आ गया। अगला कितना आ गया, 1/5c। अब एक कंसेप्ट जो था जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कोफिशियंट आपको दे रखे हैं, ए बी सी के जो कोफिशियंट आपको दे रखे हैं वो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं और अगर उनके न्यूमिनेटर जो है वो बराबर है तो नीचे वाला आंसर बन गया था, ऐसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एक उसी क्वेश्चन के बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट था कि अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो हम इसको बराबर बना लेंगे। हमने क्या किया था, जो ऊपर वैल्यू थी उन सभी का हमने एलसीएम लिया था और एलसीएम निकाल करके उस एलसीएम के अकॉर्डिंग सभी को चेंज कर लिया था। अब ऊपर वाली संख्याएं जो भी बन रही हैं, जैसे 3, 1, 1, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो यहां तो 3 है ही, यहां पे 3 बनाने के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, 3 से गुना। एक बात और मैंने बताई थी, जब भी फ्रैक्शन को आप 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब न्यूमिनेटर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सेम संख्या, अगर ऊपर आप जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे भी उसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी क्या करना है, 3 बनाना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, तो इसको भी कितने से, 3 से। तो देखिए ऊपर सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, बराबर बन गई है।
तो नीचे वाला हमारा क्या बन जाएगा आंसर, तो 10:12:15 ये हमारा क्या बन गया आंसर बन गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दूध और पानी का 40 लीटर का मिश्रण है। आपको बोल रहा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:1 है, उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और मात्र 2-3 सेकंड में हम इसको निकाल देंगे। देखिए आपको टोटल वैल्यू दे रखी है कितनी 40, और दे क्या रखा है ये 40 आपको मिल्क एंड वाटर दे रखा है, दूध और पानी दे रखा है, जो कि किस अनुपात में है 3:1 के अनुपात में। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये टोटल कितना बन रहा है, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर टोटल अनुपात आपको दे रखा और टोटल वैल्यू दे रखी है तो आपको बांटना आना चाहिए। यहां पर टोटल अनुपात कितना है 4, टोटल वैल्यू कितनी है 40, तो 4 = 40 के, 1 = कितने के 10 के, और 3 = कितने के 30 के, मतलब 30 लीटर तो क्या है इस मिश्रण में दूध है और पानी कितना है 10 लीटर। यह बात समझ आ गई। अब आपको बोल रहा है कि उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। अब एक बात नोटिस करने वाली है, देखिए आपको ऐड करने के लिए क्या बोल रहा है, केवल पानी ऐड करने के लिए बोल रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नया अनुपात आपको क्या बोला, नया अनुपात आपको बोला कि 2:1 बन जाए, ये बोल रहा है नया अनुपात क्या बोला आपको 2:1 बन जाए। मैं वहां पे लिख देता हूं ये 2:1 बन जाए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने दूध को चेंज किया, नहीं किया, क्योंकि केवल आपको क्या बोल रहा है वो कि कितना पानी ऐड करना है। देखिए पहले अगर मैं दूध की बात करता हूं, पहले दूध था 30 और पानी था कितना 10, ये देखो अभी निकाला हमने, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, अब देखो दूध का रेशो कितना बन रहा है 2, पहले दूध का रेशो कितना था 3, तो सीधी सी बात है देखो दूध को तो हमने चेंज नहीं किया है, मतलब ये 2:1 जो है वो बराबर है कितने के 30 के। अगर 2 = 30 के है, देखिए मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि दूध को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब 2:30 के बराबर है, मतलब ये क्वांटिटी तो 30 ही रहेगी। अब आपको क्या बोल रहा है कि अगर ये 30 के बराबर है तो ये कितने के बराबर होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर 2:30 के बराबर है तो 1:1 कितने के बराबर होना चाहिए 15 के। तो आपको ये पता लग जाना चाहिए यहां पे कि पहले वैल्यू कितनी थी पानी की 10 लीटर और अब वैल्यू कितनी बन गई 15 लीटर। तो सीधा सीधा समझ आ गया कि भैया 5 लीटर पानी इसमें ऐड हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 624 रुपए को 3 व्यक्तियों एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि उनका अनुपात 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में वितरित किया गया है, इसमें सी का भाग कितना होगा, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए टोटल वैल्यू आपको दे रहा है 624 रुपए, मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं ये, ठीक है। आपको बोल रहा है ए बी सी में बांटने हैं, ये पहले बांटना सिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए आपको वैल्यू दे रखी है 1:2:1:3:1:4, ये आपको दे रखा है, इस अनुपात में आपको बांटना है। मात्र 2-3 सेकंड का खेल है सारा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने करना क्या है, जो भी आपको रेशो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग बांटेंगे। बट अगर रेशो ही अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या कि यहां पे ये जो 1:2, 1:3 और 1:4 आ रहा है, मतलब इसको हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, इन तीनों वैल्यूज का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए अगर मैं इन सभी का एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आया आपके पास 12, ठीक है। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से वैल्यू कितनी बनी 6, यहां से वैल्यू कितनी बनी 4 और यहां से वैल्यू कितनी बनी 3। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 6, 4 और 3। अब वही बात है जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था और अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा था कि अगर रेशो की फॉर्म में अगर आपको बांटना है तो रेशो की फॉर्म में बांटने के लिए हम क्या करेंगे,
ये आपको रेशो की फॉर्म में दे रखा है। अगर ये रेशो की फॉर्म में बांटना है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज है इनको टोटल कैलकुलेट कर लो, 6, 4, 10 और 3, 13। अब 13 आपको दे रखा है कितने के बराबर, ये आपको दे रखा है 624 के बराबर। मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब टोटल 13 यूनिट है, ये कितने के बराबर है, 640 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी ये हमें निकालना है। तो देखिए इसको मैं काट रहा हूं, ये अपना जा रहा है 13 चौका 52, ठीक है, 10 बज गया और 104, तो ये आ गया 13, 8, 104, ये कितने के बराबर आ गया आपका, 48 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ इसमें से सी का भाग कितना होगा, मतलब एक अनुपात अगर 48 के बराबर आ गया तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये तीन अनुपात जो है वो कितने के बराबर होगा। हम इसको क्या करेंगे, 48 से गुना कर देंगे, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 3, 24, 2, 12 और 2, 44। अपना आंसर कितना आ गया, 144। तो आई होप ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एक मजेदार कंसेप्ट है, मात्र 2-3 सेकंड में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि दो बर्तन आपको दे रखे हैं ए और बी में, 4:1 के अनुपात में क्रमशः दूध और पानी, यदि दोनों बर्तनों में से समान मिश्रण को निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर देंगे, मात्र 2 सेकंड का खेल है। देखिए अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि टोटल वैल्यू दोनों बर्तनों की अगर हम कैलकुलेट करना चाहें रेशो के अकॉर्डिंग, तो वो कितनी कितनी दे रखी है। देखिए आपको ये दे रखा है दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, इसका रेशो दे रखा है, मिल्क एंड वाटर का क्या दे रखा है, रेशो। पहला बर्तन दे रखा है ए और दूसरा दे रखा है बी। तो पहले बर्तन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें दे रखा है 3:2, और दूसरे बर्तन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें दे रखा है 4:1। देखिए अगर मैं कोई तीसरा बर्तन ले लेता हूं, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बर्तन ले लिया सी, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, दूध अलग निकाल ले रहा हूं और पानी अलग निकाल ले रहा हूं। बट देखिए मिश्रण के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या है, दूध और पानी का मिश्रण ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो मिश्रण में से कुछ कोई भी क्वांटिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो डिपेंड करती है कि एक्चुअल में अगर मिश्रण आपको, मिक्सर आपको दे रखा है, वो किन दो चीजों का या किन तीन चीजों का मिश्रण है, तो उसी के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करता हूं तो 3 और 2, 5 है, और अगर उसमें से मैं दूध निकालने की बात करता हूं तो देखिए अगर आप मिश्रण में से दूध निकाल रहे हो तो आप क्या कैसे निकालोगे कि भैया दूध हमारा तीसरा भाग है और टोटल कितना है, 5 भाग है। मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे कि अगर मैं तीसरे बर्तन सी की बात करता हूं और इसमें केवल दूध की बात करता हूं तो देखिए दूध हम अगर निकालना चाहें तो देखिए यहां से दूध का रेशो आपको कितना दे रखा है, 3, जो कि टोटल कितना है, 5। सिमिलरली अगर मैं दूसरे बर्तन में से भी दूध निकाल रहा हूं तो वो कितना है, 4, और टोटल कितना है, 4 और 1, 5। तो यहां से अगर मैं सी बर्तन की बात करता हूं तो सी बर्तन में दूध कितना आ गया अपना, 3 और 4, 7/5, यह आ गया आपका 7/5। सिमिलरली अगर मैं पानी की बात करता हूं तो देखिए पहले बर्तन में से पानी का भाग कितना है, 2, और टोटल कितने में से, 5 में से। सिमिलरली दूसरे में से कितना है, 1, और टोटल कितना में से, 5 में से। दोनों को जोड़ दो कितना आ गया, 3/5। अब अगर मैं सी की बात करूं तो उसमें दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया क्या होगा अगर दोनों में से दूध और पानी में निकाल लेता हूं। तो देखिए आपने दूध भी निकाल लिया, दूध का भाग कितना आ रहा है, 7/5 अनुपात, पानी कितना आ रहा है, 3/5। तो अगर आप 5-5 से काट दोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 7:3। मतलब यहां से आंसर आपका बन रहा है कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो बनेगा वो बनेगा 7:3। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये ट्रेडिशनल मेथड मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाए कि हमारी शॉर्ट अप्रोच क्या है और ट्रेडिशनल मेथड से
काफी बुक्स में दे रखा और काफी टीचर्स इसको फॉलो भी करते हैं। देखिए तरीका बड़ा अच्छा है, बट हमने क्या करना है, यहाँ पे टाइम बचाना है क्योंकि हमारे पास टाइम का ही महत्व है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके को स्किप कर देंगे। ये जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए बताया। हमने करना क्या है, देखिए अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा ऐसा ही करने के लिए, आप मेरे को करके बताना और साथ में ही मैं आपके करूंगा, देखिए हम कितने जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से अगर मैं अनुपात का टोटल देखता हूं तो 3 और 2 कितना बन रहा है, 5। कौन से बर्तन में, पहले बर्तन में। सिमिलरली दूसरे बर्तन की अगर मैं बात करूं तो 4 और 1 की कितना बन रहा है, 5। मतलब दोनों बर्तनों में जो टोटल क्वांटिटी है वो दोनों की क्या है, बराबर। तो अगर कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि भैया तीसरे बर्तन में अगर समान मात्रा में इनमें से दूध और पानी निकाल कर या मिश्रण को निकाल कर किसी तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो आपने क्या करना है, यहां पे टोटल क्वांटिटी को चेक करना है। टोटल क्वांटिटी अगर इनकी बराबर आ रही है, जैसे 3 और 2 यहां पे पहले बर्तन में टोटल क्वांटिटी कितनी बनी, 5 बनी। सिमिलरली दूसरे में 4 और 1 कितनी बनी, 5 बनी। अगर ये बराबर आ रही है तो भैया दूध में दूध जोड़ दो, मतलब 3 और 4 कितना बन गया, 7, और 2 और 1 कितना बन गया, 3, और पानी में पानी जोड़ दो। समझ आ गई मेरी बात, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको आगे से कॉपी पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपने करना क्या है, टोटल क्वांटिटी को चेक करना है। अगर वो टोटल क्वांटिटी बराबर आ रही है तो हम क्या करेंगे, दूध में दूध जोड़ देंगे, पानी में पानी जोड़ देंगे। तो चलिए चलते हैं बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन में जो कि आपको अभी करके दिखाना है मेरे साथ साथ, तो चलिए हम चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहां पे कि भैया इस बार आपको 2 की जगह कितने बर्तन दे रखे हैं, 3 बर्तन दे रखे हैं। तो आपको बोल रहा है कि 3 बर्तनों में क्रमशः ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात 3:2, 4:1 और 2:3 के अनुपात में है। तो तीनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण को निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए अगर पिछले क्वेश्चन के साथ मैं इसको कंपेयर करता हूं तो पिछले क्वेश्चन को कंपेयर करने से देखिए यहां पे अगर टोटल वैल्यू की मैं बात करूं तो टोटल वैल्यू यहां भी बराबर आ रही है। देखिए कैसे, यहां पे फिर से आपको दूध और पानी का अनुपात दे रहा है, पहले बर्तन में कितना दिया, 3:2, दूसरे बर्तन में कितना दिया, 4:1, और तीसरे बर्तन की मैं बात करता हूं तो इसमें कितना दे रहा है, 2:3। आपने कुछ नहीं करना है, चेक करना है कि क्या टोटल क्वांटिटी बराबर आ रही है, 3 और 2 5 बराबर आ रहा है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, मतलब तीनों ही केसेस में, तीनों ही बर्तन में क्या आ रहा है, टोटल क्वांटिटी बराबर आ रही है। तो वही रूल फॉलो करना है, कौन सा, कि अगर बराबर आ रही है तो दूध में दूध जोड़ दो और पानी में पानी। तो देखिए 3 और 4 7 और 2 कितना आ गया, 9। यहां से 2 और 1 3, 3 और 3 6, अब ये 9:6 आ गया। ठीक है, अभी अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इसको हम काट सकते हैं, ये आ गया 3 3 9 और 3 2 6, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जिसमें कि हो सकता है कि ये क्वांटिटी आपकी बराबर ना हो, तब हम उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 बर्तनों में ए और बी में 3:2 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी है, यदि दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण और पानी को निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए मैं अगर आपसे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको कंपेयर करूं तो यहां पे दूध और पानी का अनुपात ये दे रखा है 3:2 और 2:1, ये दे रखा क्वेश्चन में। अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहां टोटल कितना बन रहा है, 5, और यहां टोटल कितना बन रहा है, 3। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो वो ट्रेडिशनल तरीका इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टाइम आपके लिए आसान हो जाएगा, परंतु देखिए हमें टाइम बचाना है। एक तरीका तो वो आपके पास है ही जो हमने अभी पीछे किया था,
परंतु हम क्या करेंगे, टाइम बचाएंगे यहां पे। हमें अगर टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि अगर तीसरे बर्तन में समान मात्रा में मिश्रण को निकालकर मिलाया जाता है तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों को जोड़िए, टोटल क्वांटिटी निकालिए। ये 5 आ गया और ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें करना क्या है, देखिए पहली बात मैं कर रहा हूं दूध की, मिल्क की। तो मिल्क अगर आपको निकालना है तो देखिए यहां पर मिल्क का पार्ट कितना है, तीन पार्ट दे रखा है, मतलब तीसरा भाग दे रखा है, कितने में से, 5 में से। तो हमने करना क्या है, इस तीन रेशो को दूसरे वाली टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब दूसरे वाली टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 है। तो इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 9। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाल रहा हूं, मिल्क निकाल रहा हूं, किसमें, इस तीसरे बर्तन में, ठीक है। फिर हम पानी भी निकालेंगे, तो 3 को 3 से गुना करो, बोलो कितना आया, 9। समझ आ गई मेरी बात, यहां से ये तो बात हो गई पहले भाग की। दूसरे में से अगर मैं दूध निकाल रहा हूं तो दूसरे में यहां पर दूध का भाग कितना है, 2। और इसके अपोजिट वाले में, देखिए अपोजिट वाला कैसे बोल रहा हूं मैं यहां पे, जब आपने इस पहले बर्तन में दूध की मात्रा को लिया तो इसका अपोजिट वाला, मतलब इसका जो दूसरा बर्तन था उसकी टोटल क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 को 3 से किया तो कितना आ गया, 9। उसी प्रकार इस बार अगर इस भाग को लेंगे जो कि दूसरे बर्तन का दूध का भाग है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, पहले वाले बर्तन के टोटल क्वांटिटी के साथ, मतलब इसको इससे। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10। समझ आ गई बात। सिमिलरली ये तो आ गया हमारा टोटल दूध का पार्ट, तो पानी का पार्ट कैसे निकालेंगे, जिस तरह से हमने दूध के लिए मल्टीप्लाई किया था, कैसे, देखिए पहले भाग के दूध को हमने दूसरे के टोटल से मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार पहले भाग के पानी को दूसरे के टोटल से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 2 × 3 कितना आ गया, 6। और क्या जोड़ना है हमें, जोड़ना ये है, देखिए यहां से ये हमने मल्टीप्लाई किया तो दूसरे बर्तन में अगर मैं पानी का भाग पूछूं तो वो कितना है, 1, और पहले बर्तन में टोटल भाग कितना है, 5, तो 1 × 5 कितना आ गया, 5। तो ये आपका टोटल जो रेशो है वो बन गया है। तो 9 और 10 कितना हो गया, 19, 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो ये आपका आंसर आ गया क्या, 19:11, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक संस्था में कार्यरत सभी पुरुष और सभी महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का अनुपात 5:6 है और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात 2:3 है। तो इस संस्था में कार्यरत पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, क्वेश्चन को बड़े जल्दी हम सॉल्व कर देंगे। इससे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल किसी संस्था में मेल और फीमेल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल मेल और टोटल फीमेल को मैं 50,000 और 60,000 रुपए बांटता हूं, मतलब जितने मेल है उन सभी को मैं 50,000 बांट रहा हूं और जितने फीमेल्स हैं उनको 60,000 बांट रहा हूं। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि प्रत्येक को, मतलब ईच मेल और ईच फीमेल को मैं यहां पे, मतलब प्रत्येक मेल को अगर मैं दे रहा हूं 1,000 रुपए और प्रत्येक फीमेल को दे रहा हूं मैं 1,500 रुपए, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ आदमी कितने हैं और महिलाएं कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हो। या देखिए अगर मैं इसकी पार्टीशन कर देता हूं, केवल ये पूछता हूं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया टोटल कुछ आदमी है मुझे नहीं पता कितने हैं और प्रत्येक आदमी को मैं 1,000 रुपए दे रहा हूं, ठीक है, और सभी को मिला के मैं टोटल 50,000 दे रहा हूं, तो टोटल आदमी कितने हैं, केवल ये पूछ लूं आपसे, तो आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे
तो देखिए ये तीन जीरो से तीन जीरो कट गई, तो टोटल जो पॉपुलेशन है जो मैंने आपसे पूछी है कि टोटल संख्या कितनी है इनकी, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, वो आपके पास आ गए 50। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किसी कंपनी में जो फीमेल्स हैं, महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, मुझे नहीं पता कितनी कर रही हैं, और सभी महिलाओं को मैं 60,000 रुपए दे रहा हूं और हर महिला को मैं 1500 रुपए दे रहा हूं, तो बताओ महिलाएं कितनी होगी? आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे? बिल्कुल करोगे। तो ये काट दो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये कट गया, ये कितना आ गया 40। तो आप बोलोगे कि 40 महिलाएं। अब मेरी बात पे गौर करना, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना वो कुछ इसी तरह से दे रखा है। मैंने ये थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया क्वेश्चन को बना करके, परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। कैसे? देखिए आपको ये टोटल वैल्यू दे रखी है, परंतु वैल्यू की जगह इस बार उसने क्या दे दिया, आपको रेशो दे दिया। जैसे यहां पर आपको दे रखा है कि टोटल जो आपको आपने जो बांटा है उसका रेशो कितना है, 5:6, ये वैल्यू आपको दे रखी है। सिमिलरली प्रत्येक को जितना बांटा है उसका भी रेशो दे रखा है। जैसे यहां पर रेशो दे रखा है कितना, 2:3। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया इसमें टोटल महिलाएं कितनी है और टोटल पुरुष कितने हैं, वो आपको निकालना है, तो आप यहां पे क्या करोगे? देखिए टोटल संख्या अगर आपको निकालनी है तो जितना टोटल बांट रहे हो और जितना प्रत्येक को दे रहे हो आप उसी से डिवाइड करोगे। जैसे यहां पे अगर आपने रेशो निकालना है कि कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, मतलब आपने नंबर्स निकालने हैं कि भैया कितने बंदे काम कर रहे हैं, नंबर्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इस 5 को 2 से डिवाइड करोगे। सिमिलरली इस 6 को कितने से डिवाइड करोगे, 3 से। जैसे अभी भी मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लेके बताया इसी पर, तो आपने करना क्या है, देखिए जो कट रहा है वो काट देंगे, ये 2 आ गया, इस 2 को उधर ले जाओ तो अनुपात कितना आ गया, 5:4। तो उस संस्था में कार्यरत कुल पुरुष और कुल महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 5:4। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ एक नया कंसेप्ट समझते हैं कि अगर वो सिक्कों पर आधारित कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है। आपने कई बार देखा होगा कि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, तो अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं एक बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। और मैं बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं यहां पे। देखिए ये जो भी मैंने आपको लिखा है कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, ये आपको सिक्के दे रखे हैं। मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं कि सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है, सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है, भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, ये 10 सिक्के हैं, ये 20 सिक्के हैं और ये 30 सिक्के हैं। ये बड़ा सिंपल सा मैंने क्वेश्चन ले लिया है यहां पे। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 1 रुपए के 30 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हैं आपके पास? केवल इतना सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। मुझे एक बात बताना यहां पे कि जब कभी भी आपके पास सिक्के दिए होते हैं तो आप क्या करते हो, जैसे जितने रुपए का सिक्का होता है और जितनी उसकी क्वांटिटी होती है, सिक्कों की संख्या होती है, आप उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो। मतलब क्या कि अगर आपको ये सिक्कों की कोई फेस वैल्यू दे रखी है, मैं ये भी लिख देता हूं कि ये सिक्कों की फेस वैल्यू है आपके पास, अगर ये आपको दे रखी है कि भैया 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हुए, 50 रुपए। सिमिलरली 2 रुपए के अगर 20 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हुए, 40 रुपए। सिमिलरली 1 रुपए के अगर 30 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हुए, 30 रुपए। अब आप सभी को जोड़ दो, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 50, 40, 90 और 30, 120 रुपए आपके पास आ गए। बड़ा आसान सा कंसेप्ट था ये मैंने आपको बताया। इसको बताने के पीछे एक और कारण है, वो क्या कि देखिए अगर बाई चांस आपको मैं इन सिक्कों की संख्या की जगह सिक्कों की संख्या का अनुपात दे देता
और एक चीज और दे देता कि भैया टोटल आपके पास 120 रुपए हैं, तो आपके पास 5 रुपए के रूप में कितने रुपए हैं, या 2 रुपए के रूप में कितने रुपए हैं, या 1 रुपए के रूप में कितने रुपए हैं, या फिर मैं आपसे ये पूछ लेता कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने हैं, और 1 रुपए के कितने हैं, तो वो आपको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप सिक्कों के क्वेश्चन को करते हो तो ये बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कैसे, जैसे इस बार मैंने आपको यह ना दे करके कि भैया सिक्कों की संख्या कितनी है, मैंने आपको यह दे दिया कि भैया सिक्कों की संख्या का अनुपात, एक ये नया शब्द मैंने इसमें जोड़ दिया अनुपात, ये इस बार अनुपात दे रखा है। मेरी बात समझ गए हो, मैं पूरे क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि अगर 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में एक थैले में आपको 120 रुपए मैंने दे दिए, आपको ये नहीं पता कि किस फेस वैल्यू के कितने सिक्के हैं, मतलब 5 के कितने हैं, 2 के कितने हैं और 1 रुपए के कितने हैं, मैंने आपको जस्ट ये बता दिया कि 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि ये जो है वो 1:2:3 है। तो बताइए 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने हैं, 1 रुपए के कितने हैं, ठीक है। या फिर मैं आपसे ये पूछ लेता कि 5 रुपए के रूप में कुल कितने रुपए हैं, 2 रुपए के रूप में कुल कितने रुपए हैं और 1 रुपए के रूप में कुल कितने रुपए हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता तो कैसे करना है, देखिए मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको अगर फेस वैल्यू दे रखी है और आपको ये दे रखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, और आपको यह भी दे रखा है कि टोटल आपके पास रुपए कितने हैं, जैसे यहां बता दिया 120, तो अभी आपने क्या करना है, देखो यहां पे जैसे पिछले कंसेप्ट में अभी अभी जो मैंने यहां पे साफ किया उसमें मैंने ये बताया कि आपको फेस वैल्यू को सिक्कों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर अनुपात दे रखा है तो भी आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 4, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 3। अब ये एक नया अनुपात बन गया आपके पास, ठीक है। ये नया अनुपात किसका बन गया, ये बन गया कि जिन जिन सिक्कों के रूप में आपको यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में जो जो सिक्के दे रखे हैं, उन सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी है, उनका अनुपात बन गया ये। कैसे, मतलब 5 रुपए के कुल कितने रुपए हैं वो, 2 रुपए के कुल कितने रुपए हैं वो, और 1 रुपए के रूप में कुल कितने रुपए हैं वो, उन तीनों का अनुपात ये बन गया है। मेरी बात समझ आ गई, और ये टोटल आपको दे रखा है कितने के बराबर, 120 के बराबर। तो यहां से 5 और 4 9 9 और 3 12, मतलब 12 अनुपात आपको बराबर दे रखा है कितने के, 120 रुपए के। अगर 12 अनुपात बराबर है 120 के, तो 1 बराबर होगा कितने के, 10 के, मतलब 1 अनुपात बराबर आ गया कितने के, 10 के। तो 5 बराबर आएगा कितने के, 50 के, 4 बराबर आएगा कितने के, 40 के, और 3 बराबर आएगा कितने के, 30 के। मेरी बात समझ गए होंगे, देखिए यहां से आपके पास वैल्यू आ गई है टोटल कि 5 रुपए के रूप में कुल कितने रुपए हैं, 2 रुपए के रूप में कुल कितने रुपए हैं और 1 रुपए के रूप में कुल कितने रुपए हैं। अब सीधी सी बात आपसे मैं पूछता हूं कि अगर 5 रुपए के रूप में आपके पास 50 रुपए है तो आपके पास सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। समझ आ गई बात। अगर 2 रुपए के रूप में 40 रुपए हैं तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 20। सिमिलरली 1 रुपए के रूप में अगर आपके पास 30 रुपए हैं तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 30। तो यहां से आपने 6 चीजें निकाल ली हैं। मैं आपको काउंट करके बताता हूं कौन सी। अगर क्वेश्चन में यह आपसे पूछ लेता कि भैया 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के रूप में 120 रुपए है टोटल, और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको 1:2:3 दे रखा है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछता कि 5 रुपए के सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी है, तो आपने निकाल दिया आंसर 50। इसी तरह 2 रुपए की पूछता तो आपने आंसर निकाल दिया 40। इसी तरह 1 रुपए की पूछता तो आपने आंसर निकाल दिया 30।
सिमिलरली अगर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो आपने निकाल दिया 10, 2 रुपए की पूछता तो आपने निकाल दिया 20, और 1 रुपए की पूछता तो आपने निकाल दिया 30। तो ये 3 और ये 3 टोटल हो गई 6, 6 वैल्यूज आपने निकाल दी। तो बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा कंसेप्ट है। तो चलिए हम इसी पे आधारित एक क्वेश्चन को लेते हैं और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक बैग में 410 रुपए है, जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा। इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 4:6:9। देखिए बिल्कुल उसी तरह से मैंने लिख दिया इसको। आपको टोटल वैल्यू दे रखी है कितनी, 410 रुपए। ठीक है, हम क्या करेंगे, वही इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। 4 × 5 कितना 20, 6 × 2 कितना 12 और 1 × 9 कितना 9। तो टोटल कितना आ रहा है, 20, 12, 32 और 9, 41। तो 41 आ गया आपके पास। 41 बराबर है कितने के, 410 रुपए के। तो 41 अगर 410 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर आ गया, 10 के। ठीक है, तो 1 अगर 10 के बराबर आ रहा है तो यहां से आपसे पूछ किसके बारे में रहा है, वो पूछ रहा है कि भैया 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अगर मैं आपसे ये पूछता कि टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू 2 रुपए के सिक्कों की बन रही है। देखो 1 = 10 के आ रहा है तो 12 = कितने के आ गया, 120 के। तो अगर 120 रुपए आपके पास है जो कि 2 रुपए के रूप में है, तो सिक्कों की संख्या कितनी बन रही है, 60। तो ये आपका आंसर बन गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट था। हम आगे भी इसी तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही।